हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मी चैनल। देखिए आज मैं बहुत इजी डिजाइन लेके आई हूँ। ये डिजाइन बहुत ही सिंपल है, बनाने में बहुत इजी है। ये डिजाइन एट रोज का डिजाइन है। एट रोज आपको रिपीट करना है बार बार। रॉन्ग साइड पे ऐसे दिखता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए 7 का मल्टीपल में फंदे लेना होगा और प्लस 3 करना होगा। मल्टीपल ऑफ 7 प्लस 3। इस डिजाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। स्वेटर, बेबी स्वेटर, जेंट स्वेटर, कार्डिगन, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। इसमें मैंने 7 का मल्टीपल करके 21 प्लस 3 कर लिया है, टोटल 24 कर लिया है। फर्स्ट रो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो एक फंदे से स्लिप करिए, जिस स्टिच धागा आगे की तरफ ले आइए इस तरह से। अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से धागा आगे की तरफ ले आइए, 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। आपको रिपीट करना है 5 फंदा उल्टा, 2 4 5, फिर 2 फंदा सीधा। आपको ये रिपीट करना है, फिर से ये रिपीट करना है। धागा आगे, 5 फंदा उल्टा, 2 3 4 5, फिर धागा पीछे, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2। यहाँ तक आपको 2 डिजाइन ख़त्म हुआ है। लास्ट में आपको 4 फंदा बचेगा। इसमें 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा बुनना है। 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा। सेकेंड रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। सेकेंड रो एक फंदे से स्लिप करिए, थाके पीछे की तरफ लाइए, 1 2 3, 3 फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, 1 2 3 4 5, फिर 5 फंदा सीधा, धागा आगे, फिर 5 फंदा उल्टा, 2 फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर 5 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5, धागा आगे, फिर 2 फंदा उल्टा, 1 2, धागा पीछे, फिर 2 फंदा सीधा, 1 2 3 फंदा उल्टा, धागा आगे, 1 फंदा उल्टा। सेकेंड रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। सेकेंड रो। अब थर्ड रो एक फंदे से स्लिप करिए, धागा आगे की तरफ ले आइए। अब 2 फंदा उल्टा, 1 2। अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से धागा पीछे की तरफ लाना है। अब 2 फंदों को ट्विस्ट करना है। एक बार इस तरह से ट्विस्ट करना है, एक बार इस तरह से ट्विस्ट करना है। राइट हैंडल आगे से लेना है, इस सीधा फंदा को आगे लाना है, ये उल्टा फंदा को पीछे लाना है। इस तरह से इस उल्टा फंदा को फिर पीछे लाना है, फिर लेफ्ट हैंडल में लेना है इस फंदे को भी और सीधा बुनना है। इस तरह से 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर से 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा। पिछले साइड से ये उल्टा फंदा को आगे लाना है, इस तरह से आगे, फिर एक फंदा फिर पीछे लाना है। इस फंदे को फिर लेफ्ट हैंडल में लेना है, अब सीधा बुनना है। फिर धागा आगे, अब 3 फंदा उल्टा, 1 2 3। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार। 3 फंदों को छोड़कर यहाँ से स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न। 2 फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर 2 फंदा उल्टा, 3 फंदा उल्टा। आपको ये रिपीट करना है बार बार। यहाँ से फिर से रिपीट करना है। धागा पीछे, इस सीधा फंदा को आगे लाना है इस तरह से, राइट नीडल से लेना है, फिर आगे का एक फंदा फिर पीछे। अब इस फंदे को भी लेफ्ट नीडल में लेना है, अब सीधा बुनना है। फिर
फिर ये दो फंदों को फिर ट्विस्ट करना है, पीछे की साइड से लेना है इस तरह से, फिर लिप नीडल में लेना है इस फंदे को भी। अब सीधा बुनना है, फिर धागा आगे। अब तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागा पीछे, फिर से रिपीट करना है, सीधा फंदा को आगे लाना है इस तरह से, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस फंदे को भी, फिर दो, फिर सीधा बुनना है दो फंदों को, फिर ये दो फंदों को ट्विस्ट करना है, पीछे की साइड से लेना है राइट नीडल इस तरह से, फिर इसको भी सीधा बुनना है, लेफ्ट नीडल में डाल के फिर सीधा बुनना है, धागा आगे और दो फंदा उल्टा, लास्ट का दो फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। थर्ड रो कंप्लीट कर लिया है। अब फोर्थ रो, फोर्थ रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। फिफ्थ रो, एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से एक फंदे से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है आपको। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे और दो दो फंदों को ट्विस्ट करना है, एक सीधा फंदा को आगे लाना है, फिर आगे का फंदा फिर पीछे लाना है, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस फंदे को भी, अब सीधा बुनना है। अब बीच में आपको दो फंदा सीधा, एक दो, और फिर ये दो फंदों को ट्विस्ट करना है, सीधा फंदा या उल्टा फंदा को ट्विस्ट करना है, पीछे के साइड से लेना है राइट नीडल, फिर इस फंदे को भी सीधा बुनना है, इसको भी सीधा। अब ये रिपीट करना है आपको बार बार, ये एक फंदा को छोड़कर स्टार्ट हुआ है रिपीट पैटर्न, आपको रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को ट्विस्ट करना है, फिर दो फंदा सीधा, फिर दो फंदों को ट्विस्ट करना है, आपको ये रिपीट करना है, धागा आगे, फिर से रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये दो फंदों को ट्विस्ट करना है, ये सीधा फंदा को आगे लाना है, फिर आगे का एक फंदा फिर पीछे, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है इस फंदे को भी, और दो फंदों को सीधा बुनना है, बीच में दो फंदा सीधा, एक दो, फिर दो फंदों को ट्विस्ट करना है, इस सीधा फंदा और ये उल्टा फंदा को ट्विस्ट करना है, पीछे से लेना है राइट नीडल, फिर इस फंदे को भी पीछे लेना है, पीछे लाना है, और फिर लेफ्ट नीडल में डाल के दो फंदों को भी सीधा बुनना है, फिर से रिपीट करना है, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर ये दो फंदों को ट्विस्ट करना है, इस सीधा फंदा को आगे लाना है इस तरह से, फिर लेफ्ट नीडल में लेना है, अब ये दो फंदों को फिर सीधा, एक दो, फिर बीच में दो फंदा सीधा, एक दो, फिर ये दो फंदों को ट्विस्ट करना है, पीछे से लेना है इस फंदे को, आगे लाना है, फिर दो फंदों को फिर सीधा बुनना है, एक दो, धागा आगे, लास्ट के दो फंदा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिफ्थ रो कंप्लीट कर लिया। सिक्स रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। सिक्स रो, सेवेंथ रो एक फंदा से स्लिप करिए, अब यहाँ से रिपीट पैटर्न स्टार्ट करना है, यहाँ से एक फंदा उल्टा, फिर छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, अब ये रिपीट करना है आपको, एक फंदा उल्टा, छः फंदा सीधा, दो चार छः, ये रिपीट करना है आपको बार बार, फिर यहाँ से फिर से रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, छः फंदा सीधा, दो तीन चार पाँच छः, फिर धागा आगे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर छः फंदा सीधा, एक दो तीन चार पाँच छः, लास्ट का दो फंदा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा।
सेवन रो कंप्लीट कर लिया है। अब एट रो जो फंदा उल्टा दिख रहा है उसको उल्टा बुनिए, जो फंदा सीधा दिख रहा है उसको सीधा बुनिए। देखिए डिजाइन एट रोज का डिजाइन है, एट रोज आपको रिपीट करना है, वन टू एट रो आपको रिपीट करना है बार बार। एट रो में ऐसे डिजाइन बन के आएगा, ऐसे रिपीट करते जाना है आपको वन से एट रो, देन ऐसे डिजाइन बन के आएगा बुनने के बाद। लास्ट में मेरे चैनल को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।